घर के अंदर एक इंसान अभिषेक, जिसका नाम सोच रहा था कि भाई वो बन जाएगा अपने सिद्धार्थ जैसा, लेकिन भाई साहब सलमान ने जो पकड़ के तोला है, जो लंबा किया है भाई, जरूरी भी था। एक तो भाई साहब इतना ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर, सबके साथ तो लड़ ले रहा है आदमी, कोई भी आ जाओ, इन भी इन तोता तीन सबको टक्कर मारने को तैयार। और सलमान ने भाई वीकेंड के बारे में ना फोकस किया इस बंदे पे अच्छे से कि भाई तू बता तू चाहता क्या है। और ऊपर से भाई इसकी जो सेटिंग है, ईशा वो सोच रही थी वो बच जाएगी, वो तो क्यूट डोल बन के घूम रही ना भाई, डोल के ऐसी सुइयां चुभाई उसका वूडू सा बना दिया भाई। सलमान और रखे काफी सैवेज, और एक ही बात बताई कि भाई तू ये बता मेरे को, वहां पर फाइट चल रही खानजादी की और ईशा की, उसने बोल दिया इसको अगली, तू कुत्ते के जैसे बीच में क्यों पड़ा वहां पे, मतलब कि क्यों हर मुद्दे पर बीच में बोलना इज ठीक, लेकिन हर मुद्दे में चीखना इज रॉन्ग माई ब्रदर, एंड अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम बहुत जल्दी शो की वैम्प बन जाओगे। जनरली लड़के इस शो में वैम्प बनते नहीं है, लेकिन तुम बनोगे, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं भाई। दोनों को रख के तोला है, तारीफ की है तहलका की, जिगना की और थोड़ी भाई मुनावर की, बाकी भाई सबको लपेट लिया है सलमान खान ने। बाकी जनता आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये अभिषेक और ईशा कैसे लगते हैं।